बच्चे लगातार मर रहे थे, और जब बच्चे मर रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों को मरने से अब कोई नहीं रोक सकता है, हमारी सरकार फेल हो गई है। तो ये ट्रेजेडी है ना कि एक इंजीनियर, हम लोग 20-25 साल पहले समझते थे कि कोई इंजीनियर बन रहा है तो बहुत बड़ा हम उसको मानते थे, बड़ा आज होता। आज इंजीनियर बन के भी आदमी छोटी छोटी नौकरियाँ ढूंढ रहा है। अभी खबर आई थी कि धनबाद में एक लड़का बिहार का ही था, IIT पास था जी, और उसने ट्रेन के गार्ड की नौकरी की, तो जहाँ झाड़ के चले है कि झाड़ के चलिए। लेकिन हमारी सरकार अपनी रफ्तार चल रही है, दूसरे राज्य अपनी रफ्तार चल रहे हैं, तो गैप बढ़ता चला जा रहा है। केकरा से करीब अर्जिया जो चैप्टर है, यह है कि आप किससे अर्ज करें, उसका मतलब यह है कि किससे गुहार लगाएं, क्योंकि सब लोग तो लुटेरे ही हैं। पुस्तक चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी सहायक होती है। जैसे पुस्तकें हम पढ़ेंगे, जैसी पुस्तक हमारे समाज में बिकेगी, वैसा ही हमारा चरित्र का निर्माण होगा, वैसे ही हमारे समाज का निर्माण होगा। आज के इस हाईटेक जमाने में पुस्तकों का जगह कहीं ना कहीं मीडिया ने ले लिया, फोन्स ने ले लिया, इंटरनेट ने ले लिया। लेकिन उसके बावजूद जो एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये अहम है कि पुस्तक जो है वह हर समय प्रासंगिक थी, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगी। आज के इस बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अटल जी थे जो सर्वविदित थे, सारे जगहों पे उनकी चर्चा थी। उनका एक कविता था कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो एक जो लेखक होता है वो सर्वथा सर्वदा ही हमेशा ही हमारे समाज में उसका अपना एक जगह होता है। अभी हम बता दें हमारे साथ पुष्यमित्र जी बैठे हुए हैं, एक अच्छे लेखक हैं, इनकी कई सारी किताबें हैं जिसका चर्चा रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो में किया है। अभी फिलहाल वो चर्चा में हैं चूंकि उनका एक पुस्तक आया है रुकतापुर। रुकतापुर क्या है, क्या इसके अंदर है, क्या एक संदेश समाज को देना चाहती है, सरकार को इस पुस्तक को देख करके क्या सीखना चाहिए, इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या विचार मन में आया कि आपने रुकतापुर लिख दिया? दरअसल पिछले 1.5-2 साल कहिए तो कुछ लंबे समय से भी ऐसी कई घटनाएं बिहार में हुई जिससे लगा कि हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते पीछे चले आ रहे हैं और कहीं ठहर जा रहे हैं। जैसे पिछले साल आपको याद होगा कि चमकी बुखार मुजफ्फरपुर के इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा, बच्चे लगातार मर रहे थे, और जब बच्चे मर रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों को मरने से अब कोई नहीं रोक सकता है, हमारी सरकार फेल हो गई है जी। हम लोग तमाम कोशिश करते थे, बहुत सारी चीज़ें भी करते थे, लेकिन परेशान अंदर से थे, अंदर से मैं भी बहुत परेशान था कि ऐसा क्यों है कि हम अपने छोटे बच्चों को जो हमारा भविष्य होने वाले हैं उनको मरने से नहीं रोक सकते हैं जी। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना हुई, आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में, सितंबर के आखिर में और अक्टूबर में पटना में बारिश के बाद पूरा पटना जलजमाव का शिकार हो गया। उस वक्त भी हमने देखा कि हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी भी फंसे थे, उनको भी बचाया सुरक्षा बलों ने, लोक गायिका शारदा सिन्हा भी फंसी थी उनको भी बचाया गया। तो ये तस्वीरें जो आई और हम लगभग 2-2.5 हफ्ते पूरा पटना डूबा रहा, लोगों को खाने के लिए सुविधा नहीं, बिजली नहीं, तमाम तरह की परेशानियाँ, और लगा कि फिर सरकार असहाय हो गई है जी। और उस वक्त भी ऐसा लगा कि इस सरकार के पास कोई भी गंभीर मसला आ जाता है तो उससे मुकाबला करने की क्षमता नहीं है जी। उसके बाद फिर इस साल कोरोना के वक्त में हमने देखा कि बिहार के 30 लाख से अधिक मजदूर अलग अलग राज्यों में जो रहते थे वो लौट के वापस आए। जब वे आ रहे थे तो बहुत मुसीबत में थे, हम सब ने देखा कि कैसे वो पैदल चल के आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई ट्रक पर लटक के आ रहा है, कोई अपने बच्चे को कंधे पर उठाए हुए है, हजारों किलोमीटर की यात्रा वो लोग कर रहे हैं। तो इस भीषण स्थिति में इतने संघर्ष करते हुए लोगों की मदद करने के लिए हमारी अपनी सरकार एक्टिव नहीं हो पाई जी। हो भी पाई, उन्होंने कोशिश भी की, जगह जगह केंद्र भी खोले, लेकिन उससे लोगों की मदद नहीं हो पाई। तो फिर तीसरी बार ऐसा लगा कि भले हमारी सरकार डबल डिजिट ग्रोथ का वादा करती है, ये कहती है कि हमारे राज्य में सुशासन आ गया है, हम लोग देखते हैं कि सड़कें भी बन गई है, बिजली की व्यवस्था भी ठीक हो गई है, लेकिन जब भी कोई ऐसे क्रिटिकल अवसर आते हैं, जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो लगता है कि सरकार की तैयारी वैसी नहीं है, हमारे अंदर ताकत वैसा नहीं है। जैसे कोरोना के टाइम में होता है कि कोरोना के टाइम में एक इंसान की पहचान होती है कि उसके अंदर इम्यूनिटी है कि नहीं जी, कि अगर वो इम्यूनिटी उसके अंदर ठीक ठाक है तो उसको कोरोना असर नहीं करेगा जी, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उस कोरोना का सबसे पहला अटैक उस पर होगा।
तो ये तीन जो मौके आए बिहार में, उसने बताया कि बिहार सरकार की अपनी इम्यूनिटी ठीक नहीं है जी, वो अंदर से कमजोर है, भले ऊपर से बहुत खूबसूरत दिख रही है लेकिन डबल डिजिट जोत की बात हो, या आप पटना में जाएंगे तो खूब फ्लाईओवर बने हैं, सभ्यता द्वार बन गया है, म्यूजियम बन गया है, सब कुछ दिखता है, लेकिन अंदर से खोखली है हमारी सरकार। इसी चीज़ ने मुझे प्रेरित किया कि हमारे सरकार के साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है उसके बारे में लिखा जाए, तो इसीलिए सर मैं ये पुस्तक आप लोग को दिखाना चाहूँगा। रुकतापुर पुस्तक है, राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के बारे में सर जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो काफ़ी चीज़ें सामने आई। सामान्यतः जब हम लोग बचपन में होते हैं या अगर हम आज से 15 साल पहले की बात करें तो एक गाना हमारे यहाँ बहुत प्रचलित था, जा झाड़ के, तो इसका आपने जिक्र किया, इसमें क्या है सर ये जा झाड़ के, रोजी रोजगार के मामले में ठहरा हुआ प्रदेश है क्या कि जो मैंने बात आपसे कही कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, और जा झाड़ के जो गाना है उसको कई अर्थों में लोग लेते रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि झाड़ के यानी झटक के चलने की बात है, आदमी तेजी से चलने की बात है। बिहार के संदर्भ में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि बिहार जितना पिछड़ गया है और देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले जितना पीछे चला गया है, इसको बहुत तेज़ी से चलने की ज़रूरत है, ताकि वो महाराष्ट्र का, राजस्थान का, गुजरात का या पंजाब का, दूसरे जो सफल राज्य हैं उनके बराबर चल सके। जब भी कोई सफ़र में पिछड़ जाता है तो उसको तेज़ी से चलना पड़ता है ताकि वो अपने हम सफर लोगों को पकड़ सके। इसलिए मैंने लिखा कि बिहार को तेज़ी से चलने की ज़रूरत है, लेकिन बिहार तेज़ी से चल नहीं पा रहा है जी, तो जा झाड़ के इसलिए है कि झाड़ के चलिए, लेकिन हमारी सरकार अपनी रफ्तार चल रही है, दूसरे राज्य अपनी रफ्तार चल रहे हैं, तो गैप बढ़ता चला जा रहा है, तो झटक के चलने की ज़रूरत है। जैसे कहीं ना कहीं मन में एक विचार रहता है कि जब हम आज़ादी के 73 साल बाद एक ऐसे जगह पे पहुँचते हैं कि हमारे अन्य जो राज्य हैं, अगर औद्योगिक क्षेत्रों की बात हो तो गुजरात और महाराष्ट्र है, क्यों नहीं बिहार वहाँ कम्पीट कर सकता है, शिक्षा की बात हो तो जैसे केरला है, क्यों नहीं हमारा बिहार वहाँ तक कम्पीट कर सकता है। आखिर क्या कमियाँ रह जाती हैं कि बिहार हर बार चुक जाता है, हर जगह चुक जाता है। उसका सबसे सटीक उदाहरण ये रुकतापुर है, आप इसे ज़रूर पढ़ें, चूँकि आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आज़ादी के 73 साल बाद हमारा बिहार आज भी वही खड़ा है जहाँ 18वीं-19वीं शताब्दी में हम गिरमिटिया मजदूर बनके मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी जाया करते थे। परिस्थिति आज बदला लेकिन उतना नहीं बदला, आज भी स्थिति यह है कि आज भी हम पलायन को मजबूर हैं, या तो मध्य प्रदेश में, या तो गुजरात में, या तो महाराष्ट्र में। तो सर कैसे ये परिस्थितियों में सुधार होगा आपके हिसाब से? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि हाल तक हमारी सरकार ये मान के चल रही थी कि पलायन हो रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है जी। आपको याद होगा कि फरवरी मार्च में सुशील कुमार मोदी जी का एक बयान आया था कि बिहारी इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगर चांद पर भी नौकरी निकलेगी तो वो वहाँ जाके वो अप्लाई करके आ जाएंगे जी। और नीतीश कुमार ने भी विधान परिषद में कहा था कि पलायन में कोई बुराई नहीं है, हम बिहारी अपने हुनर से सब जगह रोजगार पाते हैं जी। तो सरकार का अपना नज़रिया ये है कि अगर बिहारी कहीं बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आप देखिए कि कोरोना के लॉकडाउन में 2 हफ्ते का भी लॉकडाउन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी पलायन करने के बावजूद कि वो वहाँ सरवाइव कर पाता जी। आंकड़े भी बताते हैं, जैसे एक संस्था ने स्टडी किया था कि बिहार का आदमी अगर पलायन करता है तो उसमें 90% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और उनकी सालाना आमदनी 26,000-27,000 रुपये है। तो इस आमदनी के लिए अगर 2,000-3,000-4,000-5,000 रुपये के लिए कोई आदमी बाहर जाके काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उतने रोजगार की व्यवस्था आपको यहाँ भी करनी चाहिए बिहार में। आदमी पलायन कर रहा है तो किसी बेहतरी के लिए करे, ये नहीं कि मनरेगा मजदूरी के लिए आदमी को पलायन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 2,000-3,000 रुपये महीना आदमी पंजाब में जाके कमा रहा है तो 3,000 रुपये के का इंतजाम मनरेगा से बिहार में भी हो जाएगा जी। तो और भी बेहतर इंतजाम, यहाँ रोजगार की सुविधा हो, यहाँ उद्योग लगें, यहाँ छोटे छोटे और कुटीर उद्योग जैसे चीज़ें शुरू हों जिससे कि यहाँ के लोगों को यहीं रोज़गार मिले, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता है, भले कितना ही पैसा मिले जी, अगर जाना भी चाहता है तो चाहता है कि जल्दी से लौट के आ जाए, यहाँ कोई व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए काम होना चाहिए, पलायन के लिए एक गंभीर तरीके से इंतजाम होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो भी एक ऐसा होना चाहिए कि पलायन का एक रजिस्टर बने हर पंचायत में, कि कोई आदमी अगर पंचायत से बाहर जा रहा है तो उसका नाम वहाँ दर्ज हो, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितने समय के लिए जा रहा है, ये सारे आंकड़े हम लोगों को होंगे तो बहुत सुधार होगा। सर इसमें आपने जिक्र किया है घो घो रानी कितना पानी, सर
किस परिप्रेक्ष्य में किया है आपने घोघो रानी का जिक्र, चूंकि बचपन में जब हम छोटे थे तो अक्सर एक खेल खेला करते थे घोघो रानी कितना पानी। बिहार के लगभग लोग जो 90 के दशक के हों या 2000 के भी हों वो इसको जानते होंगे, तो किस परिप्रेक्ष्य में आपने इसका प्रयोग किया कि घोघो रानी कितना पानी, तो किस परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया सर आपने इसका? जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि उसमें पानी का जिक्र है जी, ये पानी की कहानी का पूरा चैप्टर है। तो और मैंने घोघो रानी कितना पानी इसलिए लिखा कि हम लोगों को, अगर आपने बाढ़ की खबरों पर नज़र दौड़ाया होगा तो आपने देखा होगा कि जून जुलाई अगस्त से बिहार में खबरें आने शुरू हो जाती है कि वाटर लेवल यहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा, खतरे के लेवल को पार कर गया नदियों का। तो जैसे घोघो रानी में के खेल में बच्चे बताते हैं कि मेरा पानी जो है वो पैर से लेके छाती तक, कंधे तक आ गया है, उसी तरह से बिहार में भी बाढ़ के समय में पानी ऊपर नीचे वाटर लेवल जो ऊपर नीचे होता है उसको मैंने इस गीत से बताने की कोशिश की है। इस चैप्टर में मूलतः बाढ़ की समस्या जो है बिहार में, उत्तर बिहार के खास तौर पर ज़्यादातर इलाकों में जो है वो लगातार बढ़ रही है, उसके बारे में है, क्यों है, उसका क्या निदान हो सकता है, ये जानकारियाँ हैं। इसके साथ साथ पानी की दूसरी समस्या भी है, जल संकट भी होता है जी, जिसको लेके जल जंगल हरियाली अभियान भी चला है मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली, तो वो भी है एक समस्या। तीसरी समस्या है पानी में जो प्रदूषण है, चाहे फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, आयरन है, इसके कारण कितनी बीमारियाँ होती है, इन तीनों सवालों को लेकर मैंने उस पर लिखा है। सर इसमें आपने फरकिया का जिक्र किया है, क्या है फरकिया, अगर उसके बारे में दर्शकों को? फरकिया खगड़िया का एक इलाका है, खगड़िया ज़्यादातर इलाका खगड़िया का है। फरकिया में, फरकिया एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, और नदियाँ बहती भी हैं और वो अपना रास्ता बदलते रहती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि जब अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल, वो उस पूरे इलाके का सर्वे करने के लिए निकले तो फरकिया के इलाके में जाके, उस इलाके में जाके वो रुक गए, वहाँ वो सर्वे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नदियाँ बार बार रास्ता बदल लेती थी और ज़मीन का नक्शा बदलते रहता था, तो इसलिए उन्होंने उस इलाके का सर्वे नहीं किया और अब मैप में उसको लाल स्याही से घेर दिया और लिख दिया फ़र्क किया जी, यानी अलग कर दिया उसको। तो ये जो फ़र्क किया लिखा तो वही फरकिया बाद में हो गया, और उस उन्होंने जो फरकिया लिखा तब से उस इलाके का की तस्वीर फरकिया जैसी ही है। दिलचस्प है कि रामविलास पासवान जी का भी घर उसी इलाके में है, इसके बावजूद वो वहाँ तस्वीर नहीं बदली है। सर आपने जिन नदियों का जिक्र किया है, कोसी हो गया या बागमती हो गया, इनके पेटी में जो गांव बसे हुए हैं, अनगिनत नदियाँ हैं बिहार की जो हर बार तबाही लाती हैं, बिहार में हजारों लोग, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, तो इसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है, अगर इस पर आप कुछ प्रकाश डालें? देखिए पेटी में कैसे गांव बसते हैं उसकी वजह यह है कि बिहार सरकार का जो जल संसाधन विभाग है वो मानता है कि बाढ़ को रोकने के लिए एक ही तरीका है, वो है तटबंधों का निर्माण, नदियों को तटबंधों से घेर दिया जाए तो बाढ़ आना बंद हो जाएगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जब से तटबंध बनने शुरू हुए हैं तब से बाढ़ की संख्या में भी वृद्धि होती गई है जी। और आज तटबंध तो बहुत सारे बन गए हैं लेकिन आज़ादी के मुकाबले 3 गुना इलाके में भी ज़्यादा बाढ़ आ रहा है जी। इसका मतलब है कि तटबंध की हमारी पॉलिसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि पहले तटबंध नहीं होता था तो पानी बहुत कम लेवल में चारों तरफ फैलता था, तटबंध होने के कारण उसका फैलाव बाधित हो गया है, जिसके कारण वो अक्सर तटबंध टूट जाता है और बहुत विनाशकारी बाढ़ आती है, इसलिए उसका इलाका बढ़ गया है। तो तटबंध की पॉलिसी में गड़बड़ी है। दूसरी बात कि तटबंध जब हम बनाते हैं तो नदी के किनारे बसे जो गांव हैं वो तटबंध के भीतर आ जाते हैं जी, वो लगातार बाढ़ से प्रभावित होते हैं, हर साल प्रभावित होते हैं, वहाँ हर साल बाढ़ आता है, उसका जिक्र कोई नहीं होता। हाँ वहाँ जिक्र नहीं होता है उस इलाके का, जो आपने कहा कि नदी के पेटी में बसे हुए गाँव, वही नदी के पेटी में बसे हुए जो तटबंध से घिर गए हैं और पानी फैल नहीं पाता है तो उन्हीं इलाकों को बहुत तबाह करता है। तो वो बिल्कुल उन इलाकों में आप जाइएगा तो लगेगा कि 18वीं शताब्दी के किसी दुनिया में आ गए हैं, वहाँ ना आपको सड़कें मिलेंगी, बिजली अभी पिछले साल इसमें से ज़्यादातर इलाकों में पहुँची है, स्कूल अगर है भी तो वहाँ स्कूल में मास्टर नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, हेल्थ सेंटर नहीं है, थाना नहीं है, वो बहुत दुर्गम इलाका है। आप सोचिए कोसी के ही इलाके में केवल कोसी के तटबंधों के बीच 300 गाँव हैं, छोटी संख्या नहीं है। ऐसे जितनी नदियाँ हैं सबके पेटी में कुछ ना कुछ गाँव हैं, सब बहुत परेशान होते हैं उन, लेकिन हम उनको सरकारों ने भी छोड़ दिया है कि अपने जैसे जीना है वैसे जिए, सरकार ने भी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। सर ये पुस्तक आपने इलेक्शन के दरमियान लिखी थी, क्या इलेक्शन के बाद भी ये पुस्तक उतनी ही प्रासंगिक रहेगी? इलेक्शन के बाद इसको क्यों पढ़ना चाहिए, सरकार को इससे क्या समझ लेनी चाहिए? देखिए ये किताब मैंने इसलिए लिखा
कि बिहार के सवाल एक सम्मिलित रूप में एकजुट होके लोगों के सामने जाएँ, सरकार के सामने जाएँ। इलेक्शन के वक्त इसका इम्पोर्टेंस ये था कि लोग समझते अपने मुद्दों को, समझते अपने आसपास के मुद्दों से वाकिफ़ होते हैं और अपने नेताओं से ये सवाल उठाते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में इसका काफ़ी प्रभाव रहा। कई जगहों पर लोगों ने अब ज़मीनी सवाल पर ही बात नेताओं से, राजनेताओं से किया और इस बार चुनाव में मुद्दे भी उठे। अब जब सरकार बनने वाली है या बन जाएगी तो भी सरकारों के लिए और भी जरूरी है ये किताब, और पब्लिक के लिए भी मुझे लगता है कि ताकि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिहार को झटक के चलने की ज़रूरत है जी। तो आपको भी पॉलिसी बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है, ज़मीनी समस्या क्या है। इस किताब में मैंने बहुत, आपने पढ़ा देखा ही होगा कि बहुत सुदूरवर्ती इलाके में जाके ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश की है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उन महात्मा गांधी भी कहते हैं कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं तो उस व्यक्ति को ध्यान में रखें जो सबसे गरीब है, सबसे निर्धन है जी, जो उस व्यक्ति की आवाज़ को मैंने इसमें लाने की कोशिश की है। तो जब नीति निर्माता हो या बिहार की जनता हो, इन सवालों से जब वाकिफ होंगे तो वो बेहतर योजनाएं बना सकेगी और सरकार की तस्वीर और बिहार की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर पढ़े तो हो सकता है कुछ फ़ायदा ही हो सकता है फ़ायदा ही हो। सर, दूध न बतासा बउआ चले आकाशा, क्या मतलब है इसका? ये बच्चों पर यह अध्याय है और पिछले साल जो चमकी बिहार की घटना हुई उसमें जो बच्चे मर रहे थे और उसके बाद बिहार में कुपोषण से भी बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं जी, बाल विवाह हो जाता है। तो बच्चों से जुड़ी जो जितने तमाम तरह की समस्याएं हैं उसमें उनका जिक्र किया है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनके सवालों को बड़े लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनके सवाल भी आने चाहिए सामने में। और वो भले मताधिकार के लायक नहीं है या बालिग नहीं है, लेकिन उनकी बातों पर, उनके साथ जो घट घट रहा है वो सामने आना चाहिए, इसलिए वो अध्याय मैंने लिखा है। जय जय भैरवी, ये महिलाओं पर है जी, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और महिलाएं कैसे उन अत्याचारों का सामना करती हैं। जैसे इसमें एक चैप्टर है एसिड विक्टिम, जो लड़कियाँ हैं उनके साथ कितनी दिक्कतें हो रही है उस पर जी। है। इसके अलावा एक चैप्टर उस पर है जो सीमांचल के इलाके में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जिनकी शादी नहीं हो पाती है बहुत लंबे समय तक, उन पर है। फिर ये है एक चैप्टर की कैसे लड़कियां शादी के नाम पर हरियाणा और यूपी के इलाके में बेच दी जाती हैं, उस पर है। इसके अलावा कुछ लड़कियां ऐसी भी है जिन्होंने रिवोल्ट किया है, उनकी कहानियाँ हैं। तो इस तरह से वो चैप्टर है। इसमें सर आपने लिखा है केकरा से करी अरजिया सगरे बटमार, सारी चीज़ें तो सर समझ में आई, लेकिन ये थोड़ा सा लगा कि ये क्या है, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो इसमें समझ में नहीं आई, उसके बारे में अगर आप बताएं। जैसे केकरा से करी अरजिया जो चैप्टर है, यह है कि आप किससे अर्ज करें, उसका मतलब यह है कि किससे गुहार लगाएं जी, क्योंकि सब लोग तो लुटेरे ही हैं जी। इस चैप्टर में मैंने रोजी रोटी अर्थव्यवस्था बिहार की जो है उस पर बात करने की कोशिश की है, बहुत ज़मीनी स्तर पर। जैसे यहाँ धान के किसानों का दर्द है कि कैसे वो अपनी फसल को ठीक से बेच नहीं पाते हैं, MSP 1800 रुपये रहता है, वो 1100-1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उसके अलावा दूसरा अध्याय है इसमें जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जैसे मेहसी का सीप बटन उद्योग है जी, या मखाना का उद्योग है, उनकी ज़मीनी स्थिति क्या है और उसमें काम करने वाले लोग क्यों किसानों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं जी, उसका जिक्र है। इसके अलावा है कि जो उद्योग धंधे बिहार में लगे हैं, खासतौर पर मैंने उसका जिक्र किया, डेयरी ऑन सोन कैसे बर्बाद हो गया जी, उसकी कहानी है। या बिहार में एक बस सर्विस शुरू हुई थी गौरव लग्जरी जी, उसके साथ क्या ट्रेजेडी घटी। तो इस तरह से कई चैप्टर हैं जो बिहार में क्यों रोजी रोटी अर्थव्यवस्था और किसानी डेवलप नहीं हो पा रही है, वो सब इसमें, इस चैप्टर में है जी। हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, जब अगस्त का महीना था शायद, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गोपालगंज जिले के देवापुर में थे, देवापुर में सर बांध टूटा था और स्थिति ऐसी थी कि लोग खाने को मोहताज थे। जिस सुशासन की सरकार में तमाम दावे हुए कि वहाँ पे भोजन की जो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई थी, लोग हर चीज़ के लिए वहाँ परेशान थे। जब गांव में गए थे तो सर वहाँ पे पता चला कि जो स्थानीय नेता थे वो, उन्होंने बांध को तोड़ने का काम किया, उनके जो अपने लोग थे उन्होंने बांध को तोड़ने का काम किया, क्योंकि फिर उससे आमदनी होगा। तो सर इसमें मुझे लगता है कि ये जो आपने लिखा है घोघो रानी कितना पानी, और वो डूब करके जो बच्चे हंसते हैं, तो कहीं ये उसको नहीं जोड़ता है कि ये जो राजनेता हैं वो अपनी जनता को डुबा करके फिर वैसे ही हंसते हैं, अट्टहास करते हैं कि हाँ मैं जीत गया, मैंने पैसे कमा लिया, लूट लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या इसमें नहीं आ सकती? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिहार में बाढ़ आपदा के नाम पर मोटा मोटी हर साल
1200 करोड़ रुपये का रिलीफ पड़ता है, और तटबंध की सुरक्षा पर 600 करोड़ रुपया, वो अलग ही है। तो रिलीफ जो बढ़ता है उसमें भ्रष्टाचार, हम सब लोग जानते हैं कि खूब भ्रष्टाचार होता है, हालांकि अब जो है अकाउंट में पैसा जाने लगा है, इसके बावजूद भ्रष्टाचार होता है जी। और ऐसी घटनाएं पहले भी मैंने सुनी थी, 2008 में जब कोसी में बाढ़ आई थी तो सब जगह जब रिलीफ बढ़ने लगा और सब लोग एक्टिव होने लगे, तो सहरसा के पास सिमरी बख्तियारपुर और सोनवर्षा के पास एक ऐसी जगह थी जहाँ बाढ़ नहीं आई थी जी, और वहाँ के पंचायत के लोग चाहते थे कि उनके यहाँ भी रिलीफ बटे, तो उन्होंने भी इसी तरह से बांध तोड़ दिया कि पानी उनके गांव में घुस जाएगा तो रिलीफ का दावा कर सकेंगे। तो चूंकि फ्री में सामान बटता है तो लोग लालच में इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, उसमें नेता भी शामिल होते हैं, कई बार पब्लिक भी शामिल होती है जी। इसको लेके दिनेश कुमार मित्री जी जो बिहार की नदियों पर काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि बाढ़ भी इस इलाके की तीसरी फसल है जी, ताकि लोगों को एक फसल में नुकसान हुआ तो उसका कुछ आमदनी भी हो जाए, लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इस महीने में इतना रिलीफ आएगा जी, पैसा आएगा, तो इसके लिए भी कुछ करते हैं। तो ये भी घटनाएं होती ही हैं, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। सर, MMLA के एडमिशन कंपटीशन देता, ये चैप्टर है युवाओं के लिए जो बिहार में जगह जगह कोचिंग करते हुए नौकरियों की तैयारी करते हैं, और उनका उनका तो सवाल है, इसके साथ साथ सवाल है इंजीनियरिंग पास करने वाले लड़कों का जी। जो इंजीनियरिंग पास करने के बावजूद उनको ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, ज़्यादातर लोग बेरोजगार रह जाते हैं और छोटी छोटी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। इस बार बिहार में प्लस टू स्कूल में जब अतिथि शिक्षकों की बहाली निकली थी तो उसमें सर्वाधिक बीटेक वाले लड़की उन्होंने आवेदन किया था जी। तो ये प्रायोरिटी है ना कि एक इंजीनियर, हम लोग 20-25 साल पहले समझते थे कि कोई इंजीनियर बन रहा है तो बहुत बड़ा हम उसको मानते थे जी, बड़ा आज होता। आज इंजीनियर बन के भी आदमी छोटी छोटी नौकरियां ढूंढ रहा है। अभी खबर आई थी कि धनबाद में एक लड़का बिहार का ही था, IIT पास था जी, और उसने ट्रेन के गार्ड की नौकरी की। तो कितना गिर गया है इंजीनियरिंग शिक्षा का स्तर, और कैसे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ लड़का इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं कर रहा है, वो कोई दूसरी ही नौकरी कर रहा है जी। इसका जिक्र इसमें है, इसका जिक्र इसमें है। आपने देखा कि बिहार राज्य के हर वर्ग का इसमें खासा ख्याल रखा गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पहले वेंडरों के साथ उसमें समझौता किया जाता है, जो उसको चढ़ावा देता है उस पर, उस स्टेशन उस प्लेटफॉर्म पे जाकर ट्रेन रुकती है। सर, इन सारी चीज़ों का जिक्र आपने किया है, लेकिन सर एक आरोप था जो मैंने जब इस पुस्तक पे जब कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रूप से सरकार के खिलाफ है, इसमें कुछ भी बिहार की बेहतरी को नहीं दिखाया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पत्रकार का काम ही है कमियों को सामने लाना, और पत्रकार जब सरकार व्यवस्था की कमियों को सामने लाता है तो उसको कहा जा मान लिया जाता है कि वो सरकार के खिलाफ है जी। लेकिन वो सरकार के खिलाफ नहीं होता है, सरकार के पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे वो अपनी उपलब्धियों को बता सकता है जी, और बताता भी बताती भी रही है, अब तो मीडिया भी उनको सपोर्ट करती है जी। ऐसे में बिहार में हम लोगों ने देखा कि धीरे 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 जितने मीडिया हाउस थे वहाँ निगेटिव खबरें छपनी बंद हो गई जी। तो आखिर सरकार को कैसे पता चलेगा कि इतनी तकलीफ बिहार में है? ये किताब कैसे भी पूरे बिहार का की तस्वीर सामने लाने का वादा नहीं करती है, ये बिहार की उन कमियों को सामने लाने का वादा करती है जिसकी वजह से बिहार आज भी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे है और कदम से कदम नहीं मिला के चल रहा है, केवल उन बीमारियों को सामने ला रही है। अगर मुझे कोई बीमारी है जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेकार आदमी हूँ जी, लेकिन जब तक मेरी बीमारी सामने नहीं आएगी, और पत्रकार वही डॉक्टर है जो बीमारियों को सामने ला रहा है जी, ताकि उसका इलाज हो सके बेसिक, तो मेरी भूमिका इसमें एक लैब टेक्नीशियन की है जी, जो बिहार के बीमारियों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है ताकि डॉक्टर जो चीफ मिनिस्टर है और सरकार है उसका ठीक से इलाज कर सके। मैंने इस किताब में एक लैब टेक्नीशियन की भूमिका निभाई है, मैंने कहीं से ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है जी। बिहार को जानना चाहते हैं, अगर आपने उस बिहार को देखा है जहां कौटिल्य, चाणक्य, गौतम बुद्ध और इन चीज़ों का जिक्र हमेशा से होता रहा है, हमेशा अपने अतीत को लेकर गौरवान्वित होने वाले बिहार को एक बार इस रुकतापुर को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना चाहिए इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि आज़ादी के 73 साल बाद बिहार में क्या बदला यही कि फिजी सूरीनाम और मॉरिशस को छोड़ के आज हम गुजरात और यहाँ तक कि अन्य खाड़ी देशों को और अपने देश में सब जगह पलायन को मजबूर हैं।
यही परिदृश्य बदला आजादी के 73 साल बाद। बाढ़ की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? आजादी के समय हम बाढ़ में कहां थे, जो हमारा भूभाग था कितना प्रभावित था, और आज के समय में हमारा जो बिहार का भूभाग है वो कितना प्रभावित है बाढ़ से, अगर इसको भी जानना है तो इस पुस्तक को आप पढ़ें। अगर आपको जानना है कि महिला सुरक्षा, बालिकाओं पर अत्याचार, इसके क्या आंकड़े हैं बिहार को लेकर के, तो इसके लिए भी इस पुस्तक को पढ़ें। ओवरऑल हम कहना चाहेंगे कि अगर आप पूरे बिहार को जानना चाहते हैं, बिहार की मिट्टी को जानना चाहते हैं, बिहार के वर्तमान को जानना चाहते हैं, बिहार के कतार में अंतिम तबके तक खड़ा वो व्यक्ति को जानना चाहते हैं, जरूर पढ़ें रुकतापुर। रुकतापुर इसलिए भी पढ़ें क्योंकि आपको पता चले कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 3-4 घंटे लग सकते हैं बाय रेलवे यहाँ पे। रुकतापुर इसलिए भी पढ़ें कि पटना का वो जो एक सर इसका जिक्र किया है आपने, दीघा से जो लाइन जाती है आर ब्लॉक तक, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इस दूरी को तय करने में कैसे रेलवे के जो ट्रैक थे उस पर बांध दिया जाता था, गाय बैल भैंसों को, जानवरों को, मवेशियों को बांध दिया जाता था और ट्रेन वहां रुक के गुजरती थी। अगर आपको जानना है कि कैसे एक ट्रैक पे गाड़ी को ला करके खड़ा कर दिया जाता है और ड्राइवर इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसे डर है कि मुझे रोज इसी रास्ते से जाना है, अगर इसको भी आपको जानना है तो रुकतापुर को पढ़ें। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना बहुमूल्य चीजों को बताने के लिए।